औरवा थाना क्षेत्र के बेलवा दाढ़ी गांव में संदिग्ध अवस्था में महिला का जला हुआ शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार की सुबह पुआल में जलने से एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। उरवा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उरवा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, थाना उरवा क्षेत्र में सुबह एक सूचना मिली थी। ग्राम बेड़ा डांडी में एक महिला है आशा देवी, उनके पति का नाम है राघवेंद्र ओझा, जो कि इनकी उम्र लगभग 55 साल की है। इनके पुआल में डेड बॉडी पड़ी हुई है, जली हुई। तो उस स्तर पे फिर थाना स्तर पे थाना अध्यक्ष और सीओ गोला मौके पे गए और वहाँ पे तहकीकात किए इस चीज़ का। बॉडी जो है वो प्रथम दृष्टया पुआल से में जलना पाया गया है। और इनके जो पति के बारे में ज्ञात किया गया, तो पति जो है वो फक्का टाइप के आदमी है, जो मांग उनके खाते पीते हैं और काफ़ी दिनों बाद, मतलब महीने में एक दो बार गांव में आ जाते हैं। इनके पास इनकी कोई और संतान नहीं है और ना ही कोई जमीन जायदाद है। एक कमरे में रहना था और जो विक्षिप्त महिला थी, थोड़ा मंद बुद्धि की महिला थी, उससे लगता है कि वो आग की चपेट में आ गई, जिससे इनकी डेथ हो गई। इनके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी परिस्थितियां होगी, जांच से जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।